बहुत बहुत शुक्रिया संदेश। तो प्रिंस मूवीज और गुंदौली के बीच में ये मुकाबला खेले जा रहा है, टॉस जीता है। गुंदौली ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। दोपहर का समय, चमचमाती धूप, चैलेंज ग्राउंड पे ये बहुत ही गर्म मुकाबला खेला जा रहा है। संदेश, एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट इस समय देखे जा रहा है खासदार चाचा, एक अच्छा एक इवेंट दिखाया जा रहा है। कम समय में अच्छी खासी कामगिरी की है इन्होंने, ग्राउंड को अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। ऍक्च्युअली एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा रंगरूप देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे आणि या स्पर्धेचे कर्तकर्ता सुनील पाटील यांना त्याचं श्रेय जाते पूर्ण। आपण या ठिकाणी पाहतोय की सूर्य कसं आयोजन नियोजन झालेलं आहे। ज्युनियर क्रिकेट एक वेगळ्या उंचीवर पाहतोय। अलीकडच्या काळात ज्या प्रकारे उंची आहे ज्युनियर क्रिकेटला, मात्र त्या उंची मागे नक्कीच या स्पर्धेचा देखील वाटा असेल। त्याचं कारण म्हणजे सुंदर असं आयोजन नियोजन। सुनील पाटिल जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और जूनियर खिलाड़ियों को खेलने के लिए मौका दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाटिल जी, जूनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, सभी तमाम चेयरपर्सन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाटिल। तर नक्कीच या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते। आपण सलामीला आलेले सलामीवीर पाहतोय, सागर आणि विशाल। तर गोलंदाज परेश षटक क्रमांक पहिला आणि चेंडू पहिला। त्यावेळेस मात्र पहिला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू आवेत आहे, झेल खाली क्षेत्ररक्षक अप्रतिम झेल आणि पहिला गडी फेल। नहीं संदेश, पहली गेंद थी और पहली गेंद पर बाहर मारने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज सागर ने और कैच थमा बैठे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। मेरे ख्याल से क्रिकेट में पहली गेंद को भापना पढ़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक हिटर नजर आ रहे वहां पर सागर और अपनी गलती कर बैठे वहां पर और अपना विकेट गवा बैठे। नक्कीच सुमेल, पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रयत्न त्या ठिकाणी फसतोय। कारण आपण या चेंडूचा जर विचार केला तर या फटक्यामागे तेवढी ताकद झोकता आली नव्हती फलंदाज सागर याला। परिणाम स्वरूप चेंडू काही सीमारेषा पार होऊ शकला नव्हता आणि त्या ठिकाणी उभा असलेला क्षेत्ररक्षक कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाहीये। झेल टिपतोय आणि पहिला घडी आपण तंबूच्या आश्र्याखाली पाहतोय, तो म्हणजे सागर। आता मात्र नवीन फलंदाज प्रथमेश आलाय, मात्र या ठिकाणी गोलंदाज आपल्या संघासाठी पहिला ब्रेक थ्रू मिळून देतोय। पुन्हा एकदा बोलतोय परेश। यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू बॉलर बॅक ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र स्वतः गोलंदाज आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवतोय, कोणत्या प्रकारची धाव नाही। संदेश, गेंदबाज अपनी गेंदबाजी विकेट से थोड़ी बाहर करते हुए एक अच्छी गेंदबाजी चैलेंज पे कही जा सकती है यहाँ पर। पुन्हा एकदा बोलतोय परेश। यावेळेस मात्र फुल एंड पॉवरफुल षटकार, गलती कर बैठे परेश, जो गेंदे वो इससे पहली गेंदों में वो ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे संदेश, अब मिडल स्टिक पे गेंद दे बैठे और शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट आर्म पुल किया, पावरफुल किया, गेंद गई 6 रनों के लिए, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर प्रिंस मूवीज। आपण सुरेख फटका पाहिला त्या ठिकाणी विशालच्या बॅटमधून, चेंडू मात्र सरळ सीमारेषे बाहेर दूर कुठेतरी पडला होता षटकारासाठी। स्वतःचं तसेच संघाचं खातं ओपन करतो या ठिकाणी विशाल। परेश मुड़ते हुए विशाल के लिए फिर से एक बार स्वंग कर दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। संदेश, इससे पहले मैंने कहा था कि चैलेंज ग्राउंड के ऊपर मिडल स्टिक के ऊपर गेंदबाजी करना घातक हो सकती है गेंदबाजों के लिए, और वही कर बैठे परेश। इस दौर में दूसरी मरतबा मिडल स्टिक पे गेंद रखा था, पहले ही पढ़ लिया, गेंद जैसे ही बल्ले पे लगी उस पे मोहर लग चुकी थी 6 रनों की। नक्कीच ज्यावेळेस बॅटने बॉल मध्ये संपर्क झाला त्यावेळेस मात्र मोहर लागली होती 6 धावांसाठी, षटकार झाला या ठिकाणी। बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आपण पाहतोय, तर पाहूया या ठिकाणी तिसरा षटकार पेश करतोय का, आणि जर करतोय तर या स्पर्धेतील 5वी षटकार हॅट्रिक असेल। आणि त्यासाठी या स्पर्धेचे कर्ताधर्ता वन मॅन शो सुनील पाटील यांच्याकडनं 2000 रुपयाचा रोख रक्कम पारितोषिक दिलं जाईल। परेश बोलतोय, यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू म्हणता येईल कारण एकच धाव एकापेक्षा अधिक काही एक नाही। बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर परेश की, विकटों पे रखा था और पैरों में भी रखा था वहां पर,
अच्छी गेंदबाजी बैट्समैन को खेलने के लिए मुश्किल जरूर पड़ी, वहां पर एक रन बना, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 13 रनों पर। नक्कीच कमबॅक करताना दिसून आलाय गोलंदाज परेश, पुन्हा एकदा वळतोय, यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू, नक्कीच चेंडू बॅटची कडा घेऊन गेलाय, शॉर्ट फाईन लेगला, चेंडू अडवला जातो, त्या दरम्यान एकच धाव षटक समाप्तीचा इशारा होतोय। तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र धावफलकर धावा आपण सुमेला 14 पाहतोय, एक गडी बाद झालाय, बाद होणारा फलंदाज सागर डक, 0 या धावसंख्येला बाद झाला होता। सागर के आउट होने के बाद में मुझे ऐसा लगा था कि जो गुंदवली है उनकी गेंदबाजी अच्छी साबित होगी, लेकिन वहां पर विशाल ने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया और दो गेंदों पे दो छक्के लगा बैठे, इसी की उसके वजह से बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुकी है प्रिंस मुइस। एक अच्छा स्कोर मैं कहूंगा, 4 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है तो पहली ओवर में 14 रन एक अच्छा स्कोर है और अब फ्रंट फुट पर बिल्कुल आ चुकी है प्रिंस मुइस। नक्कीच बैक टू बैक दोन षटकार टोकून विशाल याने सिद्ध केलंय की आपण कोणत्या दर्जाच्या फलंदाज आहोत, आपली क्षमता आपली कुवत त्या ठिकाणी दाखवलेली आहे फलंदाज विशाल याने, आणि त्याच्या जोरावर आपण पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र मजबूत स्थितीत पाहतोय प्रिन्स मुइस या संघाला, कारण धावफलकार धावा जमा झाल्यात त्या म्हणजे 14। आता मात्र दुसरं षटक आणि गोलंदाज येतोय जतीन, तर पाहूया जतीन कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय। आपण खासदार चषक 2018 ही स्पर्धा या ठिकाणी अनुभवतोय, ही स्पर्धा या ठिकाणी एन्जॉय करतोय सुरेख, असं आयोजन नियोजन आपण चालू असलेला सामना गुंदवली आणि प्रिन्स मुइस या दोन संघादरम्यान पाहतोय। तर जतीन गोलंदाजी मार्गवर षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय, यावेळेस मात्र पहिला चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलमध्ये आवत असं संपर्क नाही, चेंडू कार्पेटच्या साने गेलाय, एकच धाव एकापेक्षा अधिक काही एक नाही। अच्छी गेंद थी वहां पर गेंदबाज जतीन की, ऑफ टर्म के बाहर रखा था, परेशानी जरूर हुई थी वहां पर प्रथमेश को, ऑन साइड की तरफ उन्होंने खींच दिया गेंद को कारपेट के सहारे, एक रन बना, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 15 रनों पर। जतीन मुड़ते हुए अपने मात्र सुमेल एक स्फोटक फलंदाज त्या ठिकाणी स्ट्राइक एंडला येतोय, तो म्हणजे विशाल, षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस मात्र सुरेख फटका, जसा चेंडू तसा समाचार, चेंडू मात्र डीप मेडविकेट सीमारेषे बाहेर दूर कोठे तरी पडतोय, 6 धावांसाठी षटकार। छोटी गेंद थी जतीन की, पूरी तरह फायदा उठा पाया वहां पर विशाल और अब एक अच्छे पोजीशन में 19 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। मी सुमेल आधीच म्हटलं होतं की एक स्फोटक फलंदाज आहे आणि ते या ठिकाणी नक्कीच विशाल याने दाखवून दिलंय। यानंतर मात्र संयुक्त स्पोर्ट संघाचा संघनायक त्याचबरोबर जॉली युवा संघाचा संघनायक आपण तयारीत राहायचंय, यापुढील होणारा सामना संयुक्त स्फोट आणि जॉली युवा या दोन संघादरम्यान असेल। तर आपण षटक क्रमांक दुसरा पाहतोय, गोलंदाज जतीन याच्या माध्यमातून हे षटक फेकलं जातंय, मात्र या ठिकाणी जतीन आतापर्यंत 2 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 7 धावा खर्च करताना दिसून आलाय, पहिल्या उर्वरित षटकामध्ये कुठपर्यंत मजल मारतोय प्रिन्स मुइस हा संघ, मात्र आतापर्यंत मजबूत स्थितीत आपण पाहतोय प्रिन्स मुइस या संघाला। तर सुमेल नाणेफेकीचा कॉल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर जो क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता तो मला तरी वाटतं आतापर्यंत चुकीचा ठरतोय, त्याचं कारण म्हणजे धावसंख्या पुढे सरकते 21 धावसंख्या झालेली आहे। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे, नक्कीच क्षेत्ररक्षक जज करू शकला नाही आणि चेंडू मात्र सीमारेषे बाहेर षटकार होतोय। सुमेल या ठिकाणी मी तर एवढंच म्हणेन कि मौका भी दिया और छक्का भी दिया। संडी मैं कहूंगा बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर, जज ने किया वहां पर, कैच हो सकती थी और कैच तो लिए नहीं, 6 रन भी दे डाले। नक्कीच झेल त्या ठिकाणी होऊ शकला असता, मात्र झेल सुटली आणि चेंडू देखील सीमारेषे बाहेर पडलाय, मजून मापून मारलेला हा षटकार आपण या ठिकाणी पाहिला, विशालच्या बॅट मधून तब्बल 4th षटकार। जतीन पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर जतीन वळतोय, षटकातील पुढील चेंडू घेऊन, यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये हवं तसं संपर्क नाहीये, बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला होता, यष्टरक्षक कलेक्ट करतोय पहिल्या टप्प्यावर, तोपर्यंत कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये। जतीन पुन्हा एकदा वळतोय पंचांच्या डाव्या बाजूने, यावेळेस मात्र अंदाधून खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटाना बॉलमध्ये काही संपर्क नाहीये, चेंडू मात्र यष्टरक्षक कलेक्ट करतोय, कोणत्या प्रकारची चुकी करत नाहीये,
मात्र यावेळेस कमबॅक करताना दिसून आला गोलंदाज जतीन। सुमेल आपण बॅक टू बॅक दोन षटकार पाहिले होते, त्यानंतर बॅक टू बॅक दोन निर्धाव चेंडू पाहतोय। एकंदरीत जतीन हा गोलंदाज कमबॅक करताना दिसून आलाय असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही। तर पहिल्या उर्वरित चेंडूमध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय जतीन। यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू पायावर आदळलाय, डायरेक्ट हिट केलं जातंय आणि फलंदाज मात्र बाद धावचीच्या स्वरूपात विशाल याला परतावं लागतंय। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटाने बॉलमध्ये काही संपर्क झाला नव्हता, चेंडू पायावर आदळला होता। त्यानंतर मात्र फलंदाज एक चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र त्या ठिकाणी प्रयत्न फसलाय। सुमल, जर तुम्हालाच एक चोटी धाव घ्यायची आहे तर तुमची नजर, तुमची कॉलिंग, यस नो वेट आणि तुमचं तालमेल फार आवश्यक असते। मात्र या ठिकाणी तालमेलची कमतरता परिणामस्वरूप एक स्फोटक फलंदाज तंबूच्या आश्र्याखाली पाहतोय, तो म्हणजे विशाल। दरम्यान रवींद्र भोईर 40+ खेळाडू आहेत वाडपे गावातील, त्यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। सर, खासदार चषक 2018 आपलं हार्दिक स्वागत आहे, त्याचबरोबर जीवन भोईर देखील आलेले आहेत, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। वैयक्तिक 25 धावांचं योगदान देऊन विशाल हा फलंदाज या ठिकाणी बाद झालेला आहे। नवीन फलंदाज यतीश आलाय खेळपट्टीवर, आता मात्र प्रथमेश आणि यतीश ही जोडी आपण खेळपट्टीवर पाहतोय। तर दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र मजबूत स्थितीत आपण पाहतोय प्रिन्स म्युझ या संघाला, कारण धावफलकार धावा तब्बल 27 झालेले आहेत। दोन गडी बाद 27 धावा सलामीला आलेले, सलामीची जोडी आपण तंबूच्या आश्रयाखाली पाहतोय, ती म्हणजे सागर आणि विशाल। सागर 0 धावसंख्येवर बाद झाला होता, त्यानंतर मात्र विशाल याने 25 धावांचं योगदान दिलं होतं आपल्या संघासाठी, त्यामध्ये 4 चौकारांचा समावेश। यावेळेस मात्र हाय अँड हँडसम षटकार। दरम्यान खोणी गावचे सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद शिंगोले यांचं आगमन झालेलं आहे, आपणास विनंती असेल आपण मंचावर जाऊन स्थानपन्न व्हायचे। खासदार चषक 2018 आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तर या ठिकाणी जतीश या फलंदाजाने मात्र पहिल्याच चेंडूवर षटका टोकलाय, सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळाला। यतीश त्या ठिकाणी फलंदाज आहे, वैयक्तिक खाते ओपन करतो या षटकाराशी यतीश। तर गोलंदाज जय या गोलंदाजाचा मात्र पहिल्या चेंडूवर खरपूस समाचार आपण पाहिला। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा सुरेख फटका, हा देखील सीमारेषे बाहेर षटकार, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आपण पाहतोय जतीशाच्या बॅट मधून। तर जतीश फलंदाज यतीश याच्या बॅटमधून आपण बॅक टू बॅक दोन षटकार पाहतोय। दोन चेंडूंचा सामना केला आणि दोन्ही चेंडू सीमारेषे बाहेर आपण पाहिले, जणू काही जतीश घरूनच सेटल होऊन आलाय। इस मॅच में दुसरी मर्तबा सिक्सर की हॅट्रिक पे है बल्लेबाज, देखना है क्या कुछ होगा, क्या हॅट्रिक कर पाते, जिस फुटवर्क से वो खेल रहे, जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे सँडी, मुझे तो लगता है कि हॅट्रिक हो जाएगी। सुमेल, जर या ठिकाणी हॅट्रिक साजरी झाली तर या स्पर्धेतील ती 5वी हॅट्रिक असेल, षटकार हॅट्रिक आपण पाहतोय या ठिकाणी। याआधी हरेश डीएस स्पोर्ट्स संघाचा याने देखील हॅट्रिक साजरी केली होती। षटकातील पुढील चेंडू घेऊन गोलंदाज बोलतोय। यावेळेस मात्र नक्कीच षटकार हॅट्रिक साजरी होतोय, ज्या प्रकारे सुमेल असुसे या ठिकाणी म्हटलं होतं त्याच प्रकारे षटकार हॅट्रिक आपण पाहतोय। मैंने पहिले ही कहा था सँडी कि जिस फुटवर्क से वो खेल रहे, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंट है, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि वो छक्कों की हैट्रिक लगाएंगे और लगा भी डाला। नक्कीच आपण या स्पर्धेतील 5वी षटकार हॅट्रिक पाहतोय यतीश याच्या बॅट मधून, सुरेख फटकेबाजी होते। प्रिन्स म्युझ संघ मात्र मजबूत स्थितीत आपण पाहतोय, गोलंदाज बोलतोय। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा चेंडूवर प्रहार झालाय, चेंडू पहिल्या टप्प्यावर क्षेत्ररक्षण केलं जातंय, एक धाव पूर्ण
एकापेक्षा अधिक काही एक नाही, धावसंख्या मात्र एक ने पुढे सरकते. धाव धावफलकावर धावा जर पाहिल्या तर त्या म्हणजे 46-47 धावा झालेल्या आहेत. यावेळेस मात्र प्रथमेश त्या ठिकाणी भेटतोय, बाकीचं काम मात्र यशरक्षक चौक बजावतोय. कोणत्या प्रकारची धाव नाही या चेंडूवर, मात्र आतापर्यंत जर विचार केला तर मजबूत स्थितीत आपण पाहतोय प्रिन्स म्युज या संघाला. तर यानंतर मात्र संयुक्त स्पोर्ट संघाचा संघनायक त्याचबरोबर जॉली युवा संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. यावेळेस मात्र अप्रतिम फटका, प्रशंसा करावी तेवढी कमाची या फलंदाजाची. चेंडू मात्र लॉंग लेग सीमारेषे बाहेर दूर कुठेतरी पडतोय. बिग 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 षटकार. बिल्कुल सैंडी, जैसा आपने कहा कि टॉस जीतकर फील्डिंग लेने का फैसला गुंडोली के कप्तान का बिल्कुल गलत साबित होता हुआ. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज प्रथमेश और यतीश. नक्कीच नाणेफेकी जिंकून जो निर्णय घेतला होता क्षेत्ररक्षण करण्याचा तो मात्र या ठिकाणी चुकीचा ठरतोय. आणि चुकीचा ठरवण्यामागे जर पाहिलं तर विशाल, प्रथमेश आणि यतीश या फलंदाजांचा नक्कीच सिंहाचा वाटा. हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे की अब तक 8 सिक्सर लगा चुके हैं प्रिंस मुइज के बल्लेबाज, जिसमें सागर झुंझुनू पे आउट हुए, विशाल ने 4 सिक्सर लगाए, प्रथमेश ने 1 और यतीश ने 3. नक्कीच षटकारांचा पाऊस आपण या ठिकाणी पाहतोय. तब्बल 8 षटकार आतापर्यंत प्रिन्स मुइज या संघाकडनं पेच झालेले आहेत. अजूनही 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आपण षटक क्रमांक संयुक्त स्पोर्ट संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय, कारण आपला प्रतिस्पर्धी कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपण षटक क्रमांक 4 पाहतोय. पहिला चेंडू या ठिकाणी वेग परिवर्तन करून टाकण्याचा प्रयत्न, मात्र वाईट चेंडू. अवांतर धाव मिळते, धावसंख्या मात्र पुढे सरकते. धावफलकावर धावा जर पाहिल्या तर त्या म्हणजे 53-53 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. सँडी हे बचने का तरीका नाही आहे. आप गेंदबाजी को भले ही वाइड लाइन के अंदर रखी है, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे इस बार बॉलर संदीप. यावेळेस मात्र सुरेख फटका, खरपूस समाचार संदीप या गोलंदाजा देखील षटकार होतोय. यतीश ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय नक्कीच सुमेल, मी तर थोडा या ठिकाणी कन्फ्यूज झालोय की त्याच्या हातामध्ये बॅट आहे, बल्ला आहे की हल्ला आहे. क्या पॉझिटिव्ह रिप्लाय दे रहे वहां पर यतीश, बढ़िया बल्लेबाजी उनकी. अब तक 4 छक्के जड़ चुके अपनी इनिंग में, 25 में बल्लेबाजी कर रहे यतीश. तब्बल 9 षटकार पाहतो अपन या इनिंग मध्ये, गोलंदाज बोलतोय. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा सुरेख फटका, जेवढी जास्त उंची तेवढं जास्त अंतर आणि चेंडू मात्र सीमारेषेबाहेर चुमंतर, षटकार. यतीश फिर से एक बार हॅट्रिक पर है सैंडी, क्या इस बार भी लगा पाएंगे, क्या लगता है आपको? पुन्हा एकदा हॅट्रिक साजरी करतोय का? या आधी देखील हॅट्रिक साजरी केले यतीश या फलंदाजाने आणि यावेळेस मात्र करतोय. तर पुन्हा एकदा 2000 रुपयाचा पारितोषिक, 2+2 4000 रुपये होतील नक्कीच. संयुक्त स्पोर्ट संघाचा संघनायक आपणास शेवटचा कॉल दिला जातोय. आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय, कारण आपला प्रतिस्पर्धी कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे. संयुक्त स्पोर्ट संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. या षटकाराची मात्र धावसंख्या झपाट्याने पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावर जर पाहिली तर ती म्हणजे 65 धावा झालेल्या आहेत. आपण याआधी या स्पर्धेमध्ये सर्वोच्च धावसंख्या भिवंडी टायगर्स या संघाकडे पाहिली होती, 76 धावा. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र फलंदाज बाद होतोय. झेलच्या स्वरूपात
यतीश याला परतावं लागतंय. सुमेला पुन्हा एकदा षटकार हॅट्रिक रोखण्याचा प्रयत्न होता या ठिकाणी यतीशाचा, मात्र एव्हरी डे इज नॉट अ संडे. तर दरम्यान या ठिकाणी आगमन होतंय वडपेगावच्या विद्यमान सरपंच नवनाथ सोंगल यांचा. खासदार चषक 2018 मध्ये आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सर आपण विनंती असेल आपण मंचावर जाऊन स्थानपन्न व्हायचे. त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत आपण अरविंद पाटील यांना देखील पाहतोय. तर गोलंदाज बोलतोय संदीप षटकातील पुढील चेंडू घेऊन. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा सूर्य एक फटका, जसा चेंडू तसा समाचार, षटकार होतोय.
कि वो उनका सम्मान और सत्कार करें। सम्मान और सत्कार कर रहे हैं सुनील पाटिल जी, वन मैन आर्मी। सुनील पाटिल जी के दस्ते मुबारक से हम सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। खूबसूरत शॉल, एक यादगार ट्रॉफी और एक गुलाय मोहब्बत। मैच की शुरुआत रखनी है अंपायर। आइए दोस्तों, हम अब अगला सम्मान और सत्कार करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है माननीय श्री जीवन भुईर जी, हम उनके सम्मान और सत्कार करने जा रहे हैं। और उनके सम्मान और सत्कार के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा आली जनाब सुनील पाटिल जी, वन मैन आर्मी के दस्ते मुबारक से हम उनका सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। खूबसूरत शॉल, एक गुलाय मोहब्बत और यादगार ट्रॉफी। आइए दोस्तों, हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय श्री रविंद्र भुईर जी, हम उनका सम्मान और सत्कार करने जा रहे हैं सुनील पाटिल जी के दस्ते मुबारक से। सुनील पाटिल जी के दस्ते मुबारक से हम सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। एक शॉल और एक गुलाय मोहब्बत और एक यादगार सम्मान चिन्ह। आइए दोस्तों, अब आइए दोस्तों लौट चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। दो रन बन चुके हैं गुंदौली स्पोर्ट्स के, हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस मरतबा अच्छी गेंद आगे की तरफ रखा था, खतरा हो सकता है, लेकिन इस तरह की स्थिति में स्टंप्स को उखाड़ना पड़ता है तब जाकर बैट्समैन आउट होता है। लेकिन देखना है वहां पर क्या डिसीजन दिया है अंपायर नियाज मलबारी ने। जी हाँ, वो बता रहे हैं कि स्टंप्स उखाड़ने पड़ते हैं। बेल्स नहीं हम मानते, लेकिन एक स्टंप पहले गिर गया था जिसके कारण आपको उखाड़ना था। अभी आपको अंपायर की बहस नहीं करना है किसी भी बात पर, प्लीज आपको कॉपरेट करना है। आप तालुका क्रिकेट की बहुत बड़ी टीम है। एसएम दीवान के कैप्टन आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। हालांकि बहुत अच्छी अपने ही फॉलो थ्रो में गेंद को पकड़ा था, स्टंप विकेटों से जाकर लगी थी। उसके बाद सामना कर रहे हैं बैट्समैन पपिया। स्मर्तबा फुल टॉस गेंद, स्लॉक्सिप स्टेट ड्राइव किया गेंद को, एक रन की मदद से स्कोर 3 पर जा पहुंचा है। हालांकि द किंग ऑफ टेलीकास्ट रवि गुलवी फैन टीम खेल रही है प्रिंस मूवीज, और तालुका क्रिकेट को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में प्रिंस मूवीज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, कवर में गेंद, एक रन पूरा किया बैट्समैन ने। सिंगल डबल से कहां बल पड़ेंगे इनके माथों पर, मुकाबला जीतना है तो बड़े स्ट्रोक से खेलने होंगे। क्या कहते हैं रोहित जी इस मैच के बारे में? मैच तो काफी गर्म है, जिस तरह छक्के लगाए हैं विशाल और यतीश ने प्रिंस मूवीज के।
इस मरतबा आगे की तरफ गेंद को रखा था, अपने आप को रूम नहीं दे पाए थे बैट्समैन कल्पेश ठाकरे थे वहां पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर 5 पर जा पहुंचा है गुंदौली का। इस मरतबा स्लॉक किया गेंद को, खिलाड़ी नीचे आउट हो गए बैट्समैन। प्रफुल्ल आउट हो गए हैं, हालांकि इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आप देखेंगे जौली युवा बनाम संयुक्त स्पोर्ट्स के बीच में, जहां पर जौली युवा ने टॉस को जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कल एक टीम निकली है, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है उस्मानिया स्पोर्ट्स, नफीस मामू फैन टीम, सॉरी जौली युवा ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एसएम दीवान के कैप्टन, अगर आप यहाँ मौजूद हैं या कोई खिलाड़ी है तो कमेंट्री बॉक्स में आना है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं कल्पेश ठाकरे, जबकि उनका सामना कर रहे हैं बैट्समैन। इस मरतबा बैट का लिविंग एज शॉर्ट थर्ड मैन पर, गेंद थोड़ा सा मिसफील्ड, दूसरे के लिए पलटे हैं, खतरा हो सकता है। रेस लगी थी कल्पेश ठाकरे की। हमारे बीच में अक्षय पाटिल खारबाव आ चुके हैं, हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। मर्तबा अजीबोगरीब स्ट्रोक गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, एक रन पूरा किया बैट्समैन ने, सिंगल डबल से कुछ नहीं होने वाला है। रोहित अगर मुकाबला जीतना है तो बड़े स्ट्रोक्स तो खेलने होंगे। जी हाँ इफ्तिकार अंसारी, 76 का टारगेट रखा है गुंदौली के सामने कल्पेश ठाकरे। इसी बीच बॉलर बैक ड्राइव सीधा कल्पेश ठाकरे के हाथ में, पारी समाप्त पप्पा की, दो रन बनाकर आउट हो चुके हैं पप्पा, अपने टीम के लिए कुछ कर नहीं पाए। हालांकि दूसरे ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी करे कल्पेश ठाकरे। हालांकि पहला ओवर भी बहुत अच्छा गुजरा था विशाल का, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे कल्पेश ठाकरे। पूरी प्रिंस मूवीज मुस्कुरा रही है, किस बात को लेकर मुस्कुरा रही है मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। टेलीकास्ट तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लेकिन उनके गेंदबाज भी काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पिछला सीजन उठा के देखा जाए तो गेंदबाजी में इतना दमखम नहीं था, लेकिन पूरी पैक गेंदबाजी कर कर उतरी है इस साल प्रिंस मूवीज। कल्पेश ठाकरे राइट आर्म और द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, 76 की चुनौती है, और उसके जवाब में मैं शुरुआत अच्छी नहीं कहूंगा। इस मरतबा लॉफ किया है गेंद को, क्या मैदान के बाहर, यस नाप तोल कर मारा हुआ सिक्सर। इस छक्के की मदद से स्कोर अब उछल कर पहुंचा है। चौदह रन दो विकेट के नुकसान पर एडी चोटी के बैट्समैन आउट हो चुके हैं। इसी तरह की बल्लेबाजी करनी है परेश और ऋतिक को। जी हाँ रोहित, इसी तरह की जब बल्लेबाजी होगी तभी मैच में कुछ गर्मी बढ़ेगी। हालांकि इस स्पर्धा और इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है रवि गुलवी फैन टीम प्रिंस मूवीज ने, 75 रन और 76 की चुनौती दी है गुंदौली को। जी हाँ अभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी बड़े शॉट्स खेलने के लिए दोनों बल्लेबाजों को, जबकि काफी धीमी शुरुआत गुंदौली द्वारा।
बॉलर के साइज को लेकर कुछ परेशानी ऑन फील्ड पर। स्कोर अभी भी रुका है 14 रन एक विकेट के नुकसान पर गंगा माता गुंदेवली। दोस्तों आप देख रहे हैं खासदार चषक 2018, आयोजक समन्वय युवा प्रतिष्ठान वड़पे और सुनील पाटिल जी की देन, द बिग मैन वन मैन आर्मी सुनील पाटिल। पूरे दिन परेश पाटिल भी ऑन फील्ड पर काफी कसरत करते नजर आ रहे हैं। बॉलर बॉय बन के जा रहे हैं। इनके लिए कसरत करना जरूरी है वरना ये आगे चलकर फट ना जाएं। सही बात। इस बीच मोटा सिरा लेकर गेंद को थर्ड मैन की ओर में डाल दिया था और ओवर थ्रो, एक रन बना, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। काफी कुछ घटा है ऑन फील्ड पर। 15 पे पहुंचा स्कोर इस एक रन से। हालांकि कल आप देखेंगे समन्वय युवा प्रतिष्ठान को, कल के दिन में काफी बड़ी टीम, पिछले साल की टॉप वन की टीम। एसएम दीवान के कप्तान कमेटी से आके मिले। इसी बीच कल्पेश ठाकरे काफी बढ़िया गेंद को उछाल दिया है, फुलर लेन की गेंद थी, काफी खूबसूरत से आसान कैच बनाकर लपेट लिया है कैच को। रुति की पारी समाप्त। इतना कैच को आसान कर दिया था उस लॉन्ग ऑन के प्लेयर ने, सागर ने। दो विकेट के नुकसान पर 15 रन गंगा माता गुंदेवली। हालांकि काफी सुस्ती भरा खेल चल रहा है ऑन फील्ड पर और इफ्तिकार अंसारी भी सुस्ता रहे हैं, मोटा राइस खा के आ गए वो। टूर्नामेंट तो हिट हो चुकी है और हिट हो चुके हैं सुनील पाटिल जी। काफी खुश नजर आ रही है प्रिंस मूवीज। परेश पाटिल काफी परेशान, मयूर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, बाहर बैठे। हर्ष नए गेंदबाज, आशा पाटिल स्टैंड से सामना करेंगे बल्लेबाज संदीप। अभी भी दिल्ली दूर है। काफी बढ़िया गेंद, तेज तर्रार, ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे गेंद को। समय के लिए कॉपरेट करना है प्रिंस मूवीज, समय के लिए आपको कॉपरेट करना है। अगली गेंद आशा पाटिल नॉर्थ सैंड से, फिर से एक बार काफी बढ़िया गेंद, बी टू ए बल्लेबाज, एक रन बना। इस एक रन से स्कोर धीमे से बढ़ता हुआ 16 रन। मयूरेश काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रिंस मूवीज के, जो बाहर बैठे हैं। मयूर समय के मामले में सहयोग करना है प्रिंस मूवीज। हर्ष आशा पाटिल नॉन स्टैंड से मुड़ते हुए, इसी बीच उछाल दिया है गेंद को, वन बाउंस, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। काफी बढ़िया शॉट लगाया था बल्लेबाज ने और हमारे सभी मान्यवरों को सलामी देता हुआ ये चौकार
खास करके वीआईपी डाइज की शोभा बढ़ रहे सुनील पाटिल जी। हालांकि वड़पे गांव के सरपंच जानी सोंगाल वहां पर उपस्थित है, वो सभी मान्यवर मैच का मजा लेते हुए काफी बढ़िया आयोजन नियोजन समन्वय युवा प्रतिष्ठान का। इसी बीच हर्ष आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से मुड़ते हुए काफी बढ़िया नो गेंद, अंपायर का इशारा चेक और बॉलर बैन। इस पर्दा में गेंदबाज हर्ष गेंदबाजी नहीं कर सकते और 3 रनों की पेनल्टी दी जाएगी प्रिंस मूवीज को। 1 रन बनाया था और 3 रनों की पेनल्टी, इस हिसाब से टोटल स्कोर में 4 रन जोड़ दिए जाए, स्कोर हुआ है 24 रन। अब थोड़ी सी कठिनाइयों में प्रिंस मूवीज पहली बार नजर आ रही है मायूसी। कल्पेश ठाकरे थोड़े से मायूस नजर आते हुए इस स्पर्धा में, ये पहले गेंदबाज बने हर्ष जो चक में पकड़े गए हैं प्रिंस मूवीज की तरफ से। प्रथमेश पाटिल नए गेंदबाज। प्रथमेश सामना करेंगे बल्लेबाज परेश, फिर से एक बार कलाई को मोड़ दिया था, मिस फील्ड हुई, 1 रन बना दूसरे का प्रयास और 2 रन आसानी से पूरे। इस 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि काफी कठिनाई में नजर आ रही है गंगा माता गुंदेवली। इसी बीच प्रथमेश गिरते गिरते बचे, गेंद को खड़ा कर दिया है आसमान में, गेंद के नीचे फील्डर और काफी अच्छी कैच योगेश के हाथ में। हालांकि योगेश ज्यादातर विकेट कीपरिंग करते नजर आते हैं, लेकिन काफी बढ़िया कैच मिडॉन के क्षेत्र में लिया योगेश ने। हालांकि इस तरह के टावरिंग कैचेस जो होते हैं उसको लेना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि गेंद हवाओं में घूमती है और उसे लेना उतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छा जज किया था अपने आप को वहाँ पर खिलाड़ी ने, बहुत खूबसूरत कैच और आउट हो गए बैट्समैन। और नए बल्लेबाज मैदान में, भावेश आए हैं, काफी बढ़िया गेंदबाजी प्रथमेश की, ओवर थ्रो हुआ, अपनी गलती मान ली है विकेट कीपर ने। और 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। मस्ती में खेल रही है और मजे ले रही है मैच की प्रिंस मूवीज। हालांकि आयोजन का भी काफी अच्छा है, मजा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इफ्तिकार अंसारी जो कि जूनियर में पहली बार इतना बड़ा बिग शो आप देख रहे हैं समन्वय युवा प्रतिष्ठान और सुनील पाटिल जी की देन खासदार चषक 2018। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। फनी क्रिकेट, फनी खेल, मैं समझता हूँ अब तक जहाँ भी मैंने कॉमेंट्री की है ऐसा खेल प्रिंस मूवीज का कहीं नहीं देखा। आज वो फुल मजाक के मूड में नजर आ रही है और बेइंतहा मस्ती कर रहे हैं कल्पेश ठाकरे, पैसा वसूल कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट का। लेकिन कल इसी तरह मजाक में खेल रही थी वराल देवी, लेकिन जब अकला मुकाबला आया है तो मिसफील्ड की वजह से वो मुकाबला हार गई वराल देवी ताड़ाली स्पोर्ट्स। स्पीच नए गेंदबाज यतीश, काफी बढ़िया गेंद, सवाल पूछा था अंपायर से बल्लेबाज ने। आखिरी ओवर यतीश की, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट स्टैंड से मुड़ते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज भावेश। इसी बीच
वन बाउंस गेंद को फील्ड किया मिड ऑन के क्षेत्र में, एक रन। अब तो लक्ष्य काफी मुश्किल नजर आ रहा है। काफी सुस्ताई भरा खेल प्रिंस मूवीज द्वारा। इसी बीच लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, उछाल जाएगा इनको, कैच लेने का कोई प्रयास नहीं दिखा वहां पर फील्डर की तरफ से। फलस्वरूप एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, एक और दो रन लेकर तो कोई फायदा नहीं होगा गुंदिवली को। अगली गेंद यतीश की, इसी बीच नो मैन्स लैंड में टिप्पा खाती हुई गेंद एक रन के लिए। पिछला मैच अगर देखा जाए एसएम दीवान और जेनी स्पोर्ट्स की तो काफी गर्म मैच था, और ये काफी ठंडा मैच चल रहा है। स्विमिंग पूल में मजा ले रही है प्रिंस मूवीज इस मैच का। हालांकि इसके बाद एक बहुत अच्छा मुकाबला आप देखेंगे, संयुक्त स्पोर्ट्स बनाम जौली युवा। टॉस को जीता है जौली युवा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, तो संयुक्त स्पोर्ट्स आपको तैयार रहना है अपनी फील्ड सजाने के लिए। और इस मैच की विजेता टीम आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि एक मुकाबले के बाद अगला मुकाबला खिलाया जाएगा आपका। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है यतीश, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए जाना है। और यतीश को 2000 रुपए का इनाम भी देना है अली जनाब सुनील पाटिल जी, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी में एक हैट्रिक सिक्सर लगाया और पांचवें बैट्समैन बने इस स्पर्धा में सिक्सर की हैट्रिक पूरी करने वाले। यतीश आपको मैन ऑफ द मैच और 2000 रुपए के इनाम के लिए ऊपर जाना है। नरेश शेलार खालिंग खुर्द साहेबांचं आगमन झालेले, आपण व्यासपीठावर येऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवायचे। हा आपला खासदार चषक 2018 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे जी। हां, यतीश को मेन ऑफ द मॅच देंगे नवनाथ सोंगाल जी, रविंद्र भुईर जी 2000 रुपए का इनाम दे रहे हैं हैट्रिक सिक्सर।